पंजाब के साबका मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने जिला श्री मुक्तसर साहब के मलोड़ विखे एक कॉलेज के समागम में शामिल होने उपरंत पत्रकारों से गलबात करते हुए कहा कि सरकार का फर्ज बनता है जो वादे किए हैं उस पर पूरा उतरिया जाए। उन्होंने कहा कि चोण मनोरथ पत्र लागू करने के लिए कानूनी तौर पर पार्टियां पाबंद करना चाहिए है। उन्होंने कहना है कि हुण रिवाज ही हो गया है कि सारिया पार्टियां नित नवे ऐलान करके लोगों दी अखां विच धूड़ पा रही हैं। पंजाब दी ही कांग्रेस सरकार वालों कच्चे मुलाजमान पक्के करन संबंधी प्रचार कर रही है पर कच्चे मुलाजम अपने हकी मंगां दे लई संघर्ष कर रहे हैं। हुण सरकार ने हकां लई संघर्ष कर रहे मुलाजमान नूं डराउणा भी शुरू कर दिता है। उन्होंने डिप्टी मुख्यमंत्री रंधावा की आमद से श्री मुक्तसर साहब की घटना और मुख्यमंत्री वालों टैंकी से चढ़े मुलाजमान के परचे दर्ज करने दी गल्लां दा भी जिक्र किया है। देखो बेनती है कि सरकार का मतलब होंदा है कि जो वायदा करन उहदे ते पूरा उतरन। मैं तो यह भी कहांगा कि जिहड़ा मैनीफेस्टो कोई दिंदी है उन्हूं लीगली बाउंड करना चाहिए कि कुछ करना है। हुण ये रिवाज हो गया कि ऐलान करी जाओ होवे भावें कुछ ना लोगों की अखां च धूड़ पाई जाओ। कदे कहिंदे सी इन्ने हज़ार बंदिआं नूं पक्का करता ते पक्के होण वाले रौला पै जांदे वी सानूं किसे ने नहीं कीता। किसानां नूं देखो आ बड़ा वड्डा सुंडी दा नुकसान होया सी उहदा मुआवजा जिन्ना मिलना चाहिए सी नहीं मिले। हर थां ते ये कांग्रेस सरकार फेल हुई और मैं ये भी कहना चाहता कि सरकार का जो पुराना रिकॉर्ड है इस पार्टी का वो शायद इन्ने जुल्म पंजाबियों ते ते खास करके सिखां दे ढाए इन्होंने कि मुगलों ते अंग्रेज़ों तो भी वध गए। दरबार साहब ते हमला 84 दे कतलेआम धार्मिक हमले फिर राजधानी साड़ी खोली पानी साड़ा खोलिया मतलब आर्थिक तौर पर सियासी तौर पर इन्होंने पंजाब का छड़े ही कुछ। इस करके मैं बड़ा हैरान हुन्ना जदों कांग्रेस दे जिहड़े बने फिरदे अपने आप नूं चीफ मिनिस्टर बनते हैं कि की उस पार्टी का तुसीं इतिहास वेख्या। मैं समझदा जिहड़ा कांग्रेस का बंदा तसदीक करता है कि हरिमंदर साहब से जो हमला होया ठीक होया 84 का जो कतलाम होया ठीक होया। बस प्रदर्शनकारी जिहड़ा और नाल ये है कि जिहड़े आम आदमी है देखो पार्टी उही सेवा करती है जिहदियां जड़ां उस सूबे च होण। हुण इह आम आदमी है ये तो पंजाब दे मेरा ख्याल है किसी पिंड विच नहीं इन्हां दा लीडर कोई उत्थों वाला गया होना दिल्ली वाला ते ना ही कांग्रेस दा वड्डा लीडर जिन्हां ने फैसले करने वो इत्थे कदे आए। श्रोमणी अकाली दल अपने उन्हां दा लम्मा इतिहास है पंजाब दे हक्कां लई हितां लई बहुत वड्डियां लड़ाइयां लड़ियां है। असीं 15-15 साल कैद कट्टी है आम वर्कर भी 5-5 साल उन्होंने कैद कट्टी है। इस करके मैं पंजाब दे लोगों नूं इह कहांगा आउण वाला संभालो ये जिहड़ी इलैक्शन हुंदा है ये पार्टी का नहीं कि किहदी गौरमेंट बन गई तुसीं थोड़ी किस्मत का फैसला होना है तुसीं अपनी किस्मत का फैसला करना है। इसलिए इस चीज़ नूं वेख के भी तुहानूं थोड़ा पिछला पिछोकड़ भी वेख के ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ। ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕਸਰ ਆਏ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਮਤ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਡਰ ਜਾਣ ਇੱਥੇ ਮੁਕਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਐਨ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਦੇਣ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਓਗੇ ਓਨਾ ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਬਾਕੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
आपका जिते वो चीफ मिनिस्टर है उत्थे तो कुछ कहा नहीं, पर उहदी अपने नाल की हमदर्दी हो सकती है। वेखो असली गल है कि सही मायने च दिलों हमदर्दी किस दी है, ना सेंटर दी कांग्रेस सरकार है ना केजरीवाल है, इन्हां दी कोई दिलों हमदर्दी नहीं। जे दिलों हमदर्दी है तो सिर्फ श्रोमणी अकाली दल। पढ़ाई च दिल लगदा सी, नंबर चंगे आउंदे सी, एससी खुट्टी दी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो मिलती सी। बापू मजदूरी करदा, बेबे नूं मसां ही घरां च कम मिलदा, पर मैं खुश सी, दसवीं च साइकिल मिलूगी ते पोस्ट मैट्रिक एससी वजीफा भी। लंबड़दारा दी राणो वांग इंजीनियर बनांगी। पर सुपने सुपने ही रह गए, स्कॉलरशिप बंद हो गई, स्कूल छुट गया, साइकिल मिली कोई ना ते फीस है नी। हुण मां नाल घरां च काम करन जानी आ, आ दित्ता मैनू इस सरकार ने, हुण नहीं। मैं कह दित्ता बापू बेबे नू ऐतकी सबक सिखाउणा है, वोट पाउणी उहनां नू जिहड़े समझण साडे दर्दां नू।